इंडियन नेशनल लोकदल के नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आरटीओ की समस्याएं सुनी और उनकी आवाज विधानसभा में उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने नमी के कारण जो किसानों के साथ कटौती की जा रही है उस बात को भी उठाया। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर किसानों के हितों की अनदेखी की गई है तो वह सरकार को मजबूर कर देंगे और किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता द्वारा समय समय पर SYL के पानी को लेकर व अन्य मुद्दों को लेकर किसानों के हितों की आवाज उठाई जाती रही है और उसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रदेश की अनाज मंडियों का दौरा किया जा रहा है और जो जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं उनको सरकार के सामने रखने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। करनाल की अनाज मंडी जो है सबसे बड़ा धान का कटोरा जो है करनाल को पाया जाता है क्योंकि राइस सेलर्स आ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है चावल एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है और बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाले यहाँ पहले भी हर साल होता है। सबसे बड़ा घोटाला ही यहीं पे है। अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए तो सरकारी एजेंसियाँ भी फंसती है, सरकार में बैठे लोग भी फंसते हैं और मान करके चलो जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी 100% शामिल पाए गए। तो मुख्यमंत्री करनाल से एमएलए मुख्यमंत्री ने कभी मंडी में आके किसान से पूछा कि तेरी फसल को कौन किस भाव खरीदे? वहाँ विधान करके जोर लगाते हैं कि अब एक एक दाना ले लें। वो लोग जोर लगा रहे थे मुख्यमंत्री खड़े होकर के जो इन मंडियों में हमारे साथ धक्के खाते थे और लोगों से कहते थे कि हमारी सरकार बढ़ने के बाद जहाँ तुम्हारा पैसा इन्होंने लूटा है ब्याज समेत तुम्हें लौटाने का काम, किसान को भूल गए और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर उनकी जगह बनी रहे बेचारों की, इसलिए आज उनके साथ खड़े होकर के कल कह रहे थे, बोले जो मिलर हैं वो लोग जो है बाहर से ले आकर के धान उसमें डालते हैं। अरे तुम खुद ये बात बता रहे हो, सरकार में बैठे हो, मंत्री का पद ले रखे है, फिर इसका मतलब तुम स्वीकार करते हो कि हम चोरी कराने वालों के साथ शामिल हो? भले ही इनेलो की एक सीट आई का एक सभा में सब पर भारी नजर आ रहे थे, मेरे तीखे रूप की अगर प्रदेश के किसी भी वर्ग के साथ सरकार अत्याचार करेगी तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं विधानसभा में भी सरकार को कटघरे में खड़ा करूं, उससे पूछूं, और अगर विधानसभा के बाहर मुझे कहीं लोगों के साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को कोई खोखला करे, खाए, कमजोर करे उसको कत्ती बर्दाश्त। सर, बीजेपी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन कल दो दिन के सत्र में देखने को नजर आया हर चीज पे जो बिकाऊ माल होगा, जो स्वार्थी होगा, तो मान के चलो जिसके दाम लगे होंगे उसको उसकी भाषा, जिसने खरीद रखा उसकी भाषा। तो कितने मंत्री मिल सकते हैं जेजेपी की, कोई इस पर भी बातचीत हो सकती है? पता नहीं क्या करें, कितने में बेचें। तो लगता है 5 साल चलेगी सरकार पूरी, 5 साल लगता है कि गठबंधन की सरकार चलेगी। जब माल बिकाऊ हो जाएगा, अगर खरीदने वाले के पास पैसा होगा तो 5 से 10 साल चला जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।